So students, next we have forms of protection. फॉरेन ट्रेड में बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन के दो फॉर्म्स थे, कैसे हमने प्रोटेक्ट किया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कॉम्पिटिशन से. फर्स्ट था टैरिफ और सेकेंड था कोटाज. दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, टैरिफ एंड कोटाज. टैरिफ क्या थे? टैरिफ वॉज अ ड्यूटी duty on the imported commodity. Tariff was a duty which was imposed on the imported commodity. It directly increases the price of the imported commodity and therefore offering protection to the domestic industries from foreign competition. ye kehta hai duty import kar di thi इम्पोर्टेड कॉमोडिटीज, या जो भी कॉमोडिटी हम इम्पोर्ट करने के लिए तैयार होते थे, इम्पोर्टेड कॉमोडिटी या जो भी कॉमोडिटी हम इम्पोर्ट करते थे, तो उस पर क्या कर दी गई थी, उस पर हैवी ड्यूटीज इम्पोज कर दी गई थी, जिससे हम उन कॉमोडिटीज को कम इम्पोर्ट करें, क्योंकि वो कॉमोडिटीज महंगी हो गई थी. तो जब वो महंगी हो जाएगी, हम इम्पोर्ट कम करेंगे, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिश गुड्स, फॉरेन गुड्स कम आएंगे, जिसकी वजह से हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को प्रमोट कर पा रहे थे या प्रोटेक्ट कर पा रहे थे फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन. Then quotas. Quotas क्या था? Quantity restriction. It is another form of protecting the domestic industries from foreign competition by quantity restriction on the imported commodity. Imported commodity की quantity restrict कर दी गई थी. Government ने क्या किया था? Quota fix कर दिया था of the import of different goods from different countries. अलग अलग countries से अलग अलग goods के लिए quota fix कर दिए गए थे कि इस particular country से सिर्फ इतने ही goods आ सकते हैं, इतने ही goods import हो सकते हैं as per the needs of the country. Country की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जितनी country की need है उसके according quota fix हुआ था कि इतना ही हमें उस particular country से इतने ही volume में, इतनी ही quantity में goods import करने हैं, उससे ज्यादा हम import नहीं कर पाते. So that was the two forms of production. One was tariff and the other one was quota. एक हमने ड्यूटी बढ़ा दी, टैक्सेस बढ़ा दिए, दूसरा क्वांटिटी रेस्ट्रिक्ट कर दी. The next was good impact of inward looking trade strategy on domestic industry. Domestic industries पर inward looking trade strategy का क्या good impact हुआ, क्या अच्छा प्रभाव पड़ा, यानी inward looking trade strategy जो हमने अपनाई थी, जो policy हमने follow करी थी import substitution की, उसे हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी कहा था, तो उसका क्या अच्छा इफेक्ट हुआ हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर. फर्स्ट वॉज राइज इन इंडस्ट्रीज शेयर इन जीडीपी. बेटा जीडीपी में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर का परसेंटेज शेयर कंट्रीब्यूशन राइज होने लगा, क्योंकि जब हमारे गुड्स हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होने लगे, अब हम बाहरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं रहे, तो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा शो होने लगा. देन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, increased contribution of industrial sector to GDP corresponding to fall in the percentage share of agriculture sector to GDP. हमने पहले भी पढ़ा था बेटा ये कि agriculture sector का contribution धीरे धीरे कम होने लगा था, इसका मतलब ये नहीं था कि agriculture sector उतना important नहीं रहा, नहीं, industrial sector increase होना शुरू हो गया, जिसके से structural transformation आ गया. Then diversification of
इंडस्ट्रियल सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन हो गया, मीन्स नाउ मॉडर्न इंडस्ट्रीज आर नॉट कन्फाइंड ओनली टू कॉटन जूट, वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स हैव बीन स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सच एज कंज्यूमर गुड्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स आर ऑल्सो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग. इंजीनियरिंग गुड्स कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होने लगे. अब सिर्फ हमारी इंडस्ट्री जूट कॉटन पर ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं थी. देयर वॉज अ नोटिसेबल ग्रोथ इन सनराइज इंडस्ट्रीज. सनराइज इंडस्ट्रीज बेटा आपको बताई थी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज डे बाय डे ग्रो अप करती जा रही थी. ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज ऑल्सो अकम्प्लिश. ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हमारा ग्रो करने लगा. मीन्स पहले जो इंडस्ट्रीज हमारी कॉटन पर, जूट पर, इन सब पर डिपेंड थी, अब कंज्यूमर गुड्स भी प्रिपेयर होने लगे थे. मीन जो कंज्यूमर के डेली नीड्स के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर के लिए एसेंशियल्स होते हैं, वो सब प्रिपेयर अप होने लगे. इलेक्ट्रॉनिक्स ने डे बाय डे ग्रो करना शुरू कर दिया. मॉडर्न इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ग्रो करा, जिसे हमने कहा सनराइज इंडस्ट्रीज, सूरज की तरह उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया. और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली. द नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट होनी शुरू हो गई. क्यों? नई नई इन्वेस्टमेंट्स होने लगी, नए नए कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होने लगी, जिसकी वजह से ग्रोथ विद इक्विटी का प्रोसीजर फॉलो अप हुआ. ग्रो करने लगे हम. जब हमारे खुद के बाहर से हमने इंपोर्ट करने बंद कर दिए तो हमें खुद से ही प्रोडक्शन करनी थी, तो जिसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, नई अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट की अराइज हुई. और इनका मेन फायदा एडवांटेज ये था कि उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी इतनी एस्टैब्लिश नहीं थी, तो इन्हें इन्वेस्ट करने के लिए, इन्हें स्टार्टअप करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा कैपिटल की भी जरूरत नहीं होती थी. देन प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. फॉरेन कॉम्पिटिशन से तो हम प्रोटेक्ट हुए क्योंकि ये पॉलिसी ही इसीलिए बनाई गई थी फॉरेन कॉम्पिटिशन से अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो इसलिए हमने इंपोर्ट कोटाज और इंपोर्ट पर टैरिफ फिक्स अप कर दिए थे और इंपोर्ट सब्सिडिएशन की पॉलिसी अपनाई गई थी. देन बेटा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में आप ध्यान रखेंगे सनराइज इंडस्ट्रीज के बारे में. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वॉज कॉल्ड द सनराइज इंडस्ट्री बिकॉज फ्रॉम 1950 टू 1990 वॉज एन एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री इन द ग्लोबल मार्केट. सनराइज राइजिंग इंडस्ट्रीज विद टाइम, या वो इंडस्ट्रीज जो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, उन्हें हम सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं. ऐसी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी जो 1950 से लेकर 1990 तक ग्रो करती जा रही थी. देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बैड इंपैक्ट. इस पॉलिसी के बुरे प्रभाव क्या रहे, बैड इंपैक्ट क्या रहे इस पॉलिसी के. फर्स्ट इज इनएफिशियंट पब्लिक मोनोपोलीज. इंडस्ट्रीज बेटा हमारी ग्रो तो कर रही थी. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का मेन रोल था प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज लेड टू द ग्रोथ ऑफ इनएफिशियंट पब्लिक मोनोपोलीज एंड टेलीकम्युनिकेशन. क्या था बेटा, पब्लिक सेक्टर का मेन रोल था जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली आ गई थी और उसमें इनएफिशियंसी करप्शन हमें देखने के लिए मिलने लगा था. देन lack of modernization. हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की कंट्री से गुड्स का लेन देन बंद कर दिया एक लंबे समय तक ऐसा जब चलता रहा, तो जिसकी वजह से कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं रहा. एंड देयर वॉज नो इनोवेशन एंड नो मॉडर्नाइजेशन. इनोवेशन का मतलब क्या होता है बेटा, अ स्टेप मूविंग अहेड, अ स्टेप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए एक नया इजी स्टेप लेकर आना या एक नया कुछ करना सबसे पहले आगे जाकर. तो जब हमारे पास कोई कंपटीशन ही नहीं, हमें कोई टक्कर देने वाला ही नहीं था. पहले तो हमें कंपटीशन था फॉरेन गुड से, फॉरेन कंट्री से, कि हमें उन कंट्री से गुड से अपने कंट्री के गुड्स को बेहतर दिखाना था. बट अब तो हमारी कंट्री की ही गुड से हमें पता था बाहर से कोई हमें कंपटीशन में नहीं है, कोई हमें कंपीट नहीं करने वाला है. तो हमारा मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस रुक गया, हमारी ग्रोथ रुक गई. देन पावर लाइज इन पब्लिक सेक्टर. सब कुछ बेटा पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, सब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में था, क्योंकि उस टाइम पर हमें ग्रोथ विद इक्विटी चाहिए थी,
जिसकी वजह से सब सारा सब कुछ पब्लिक सेक्टर में हाथ में होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर जो था उसके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होने लगा और प्राइवेट सेक्टर हमारा पीछे होता चला गया. देन फोर्थ वन वॉज डिफिकल्ट टू क्लोज अनवायबल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस. Any private enterprise would be immediately shut down if it founds to be unviable, but unviable public enterprise will continue their operation because of political compulsions. Political compulsions कैसे अगर कोई industry में ऐसी लगती थी जो unviable थी, जो गलत चल रही थी, तो ऐसी private industry को तो तुरंत बंद कर दिया जाता था, but ऐसी government industries बंद या government enterprises बंद नहीं हो पाती थी. Because trade unions and politicians opposed shutting down the unviable public enterprises on the pretext of social justice to the workers. क्योंकि जो running में losses में जा रही थी industries, वो उनमें loss हो रहा था, तो उन industries को बंद नहीं किया जा रहा था, ये सोचकर, ये जानते हुए देखकर कि अगर industries को बंद कर दिया गया तो जो workers यहाँ पर work कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, उनकी employment पर effect होगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे अराइज करेंगे. तो ऐसी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस तो रन अप करती थी, बट ऐसी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस रन अप नहीं कर पाती थी, उन्हें इमीडिएटली शट डाउन कर दिया जाता था. तो दीज आर द पॉइंट्स विच शोज द गुड इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्रेटजी एंड द बैड इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्रेटजी. वी हैव द बोथ गुड एंड बैड इम्पैक्ट, दोनों हमारे पास रहे, बेटा इम्पैक्ट गुड भी और बैड भी. तो ये हमारे सामने है गुड इम्पैक्ट एंड बैड इम्पैक्ट. The next बेटा additional topic हमारे पास है एक FERA versus FEMA. What is FERA? Foreign Exchange Regulation Act. And what is FEMA? Foreign Exchange Management Act. And came in effect in June 1, 2000. तो बेटा एक एडिशनल है हमारे पास फेरा वर्सेस फेमा. फेरा इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में हमारे पास आया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसका ऑब्जेक्टिव था वाज टू कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज को कंजर्व करना, उन्हें बचाना. बट फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 केम इनटू इफेक्ट इन June 1, 2000. 1999 में आ गया था, बट इफेक्ट में कब अप्लाई हुआ, ये June 1, 2000 में, जिसने रिप्लेस करा हमारा Foreign Exchange Regulation Act, yani FERA. The objective of FEMA was to facilitate external trade and payment and to promote orderly maintenance of foreign exchange market in India. FEMA ka objective kya tha beta? External trade ko promote karna, payments ko promote karna and foreign trade ya foreign exchange ko orderly maintain karna India mein. तो फेरा जो था, ध्यान रखेंगे ईयर फेरा 1973 में आया, जो रिप्लेस हो गया किससे, फेमा से. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में वो आया था, बट इफेक्ट में आया था 2000 में, जिसने क्या करा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस कर दिया. फेमा इस वजह से आया क्योंकि एक्सटर्नल ट्रेड पर ज्यादा फोकस चाहिए था, एक्सटर्नल ट्रेड को ज्यादा फोकस करने के लिए ऑर्डरली मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन मार्केट, फॉरेन ट्रेड मार्केट को या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का ऑर्डरली मेंटेनेंस करना और फॉरेन ट्रेड की जो पेमेंट थी उन्हें ऑर्डरली करना, तो इसलिए फेमा आया. और दूसरा है बेटा हमारे पास, एक और है एमआरटीपी वर्सेस कंपटीशन एक्ट
एमआरटीपी का मतलब है बेटा मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969. कंपटीशन एक्ट वॉज पास्ड इन 2002 President assent in 2003 or amended in 2007. So MRTP Act का बेटा हमारा Management and Restrictive Trade Practices Act. नाम से ही पता चल रहा है Management and Restrictive Trade Practices Act 1969. जो क्या करता था, जो इकोनॉमिक पावर को कंट्रोल करता था, फॉर द कंट्रोल द मोनोपोलीज एंड प्रोहिबिट मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. मोनोपोलीज पावर को कंट्रोल करना, प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज एंड प्रोहिबिट मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. जो मोनोपोलिस्टिक और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करता था, मतलब उन्हें बंद करता था, ट्रेड प्रैक्टिसेस को रेस्ट्रिक्ट करना, रेस्ट्रिक्शन लगाना ट्रेड प्रैक्टिसेस पर, मोनोपोली रूल चाहता था ये. देन कंपटीशन एक्ट जो आया, कंपटीशन एक्ट बेटा हमारा 2002 में आया, जिस पर प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दी 2003 में, और ये अमेंडेड हुआ 2007 में. प्रिवेंट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ये उन सभी प्रैक्टिस को रोकने के लिए बनाया गया जिनका हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता था, हमारे कॉम्पिटिशन पर एडवर्स इफेक्ट होता था. In order to promote and sustain competition in the market, market में ये लेकर आया competition, इसने promote करा competition की market में competition होना जरूरी है, और ऐसी practices को दूर करना शुरू कर दे जिनका हमारे competition पर या trade पर adverse effect होता था. इसने ध्यान दिया in order to protect the interest of the consumers, consumers के interest को protect करने पर, and to ensure freedom of trade carried on by another participant in the market in India, और trade में freedom लेकर आया, free play of trade. तो कंपटीशन एक्ट बेटा इसने क्या करा, इसने कंपटीशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, रोक दिया था, मोनोपोलीज पावर लाइफ कर दी थी हाथों में. और कंपटीशन एक्ट बेटा क्या लेकर आया, कंपटीशन लेकर आया. इयर्स हमें ध्यान रखने हैं, ध्यान से इयर्स पूछे जा सकते हैं या फुल फॉर्म पूछी जा सकती है. पहला हमारा आया 1973, जो रिप्लेस हुआ फेमस से 2000 में, 1999 में वो आया था, 2000 में वो क्या हुआ था, इफेक्ट में आ गया था. एमआरटीपी एक्ट था हमारा 1969, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक में 1969 था, और कंपटीशन एक्ट आया हमारा 2002 में, जिस पर एसेंट प्रेसिडेंट की मिली, रजामंदी प्रेसिडेंट की मिली 2003 में, और ये अमेंडेड हुआ है 2007 में. तो ये था बेटा हमारा आज का चैप्टर, इंडियाज फॉरेन ट्रेड. इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाला चैप्टर बेटा हमारा 3 वीडियोज में कवर है, वीडियो 1, वीडियो 2 एंड वीडियो 3 में. होप सबको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.